नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में पटना समेत 17 निगमों के अलावा 23 जिलों के 68 निकायों में आज चुनावी नतीजे आ रहे हैं और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुंगेर की, जहां के कई वार्डों के नतीजे अब तक आ चुके हैं। और इस वीडियो में यह भी आपको बताएंगे कि मुंगेर नगर निगम के इस चुनावी नतीजे के दौरान अब तक के रुझानों में कौन कितना आगे, कौन कितना पीछे, मेयर कितने आगे, मेयर पद पर जो चुनाव लड़ रहे हैं वो किन में कांटे की टक्कर है, कौन आगे चल रहे हैं और कौन किसको पछाड़ता हुआ नजर आ रहा है, ये हम आपको मुंगेर का अपडेट बता रहे हैं। देखिए, तो अब जान लीजिए, मुंगेर नगर निगम के कई वार्डों के नतीजे आ चुके हैं। वार्ड नंबर 1 की बात करें तो यहां से अंशु वाला जो हैं वो जीत चुकी हैं। वार्ड संख्या 2 से मीरा देवी विजयी हुई हैं। वार्ड संख्या 3 हीरो यादव तीसरी बार यहां से विजेता हुए हैं। खास बात यह है, वार्ड नंबर 4 में शंकर रजक जो है वो जीत चुके हैं। वार्ड संख्या 5 से उर्मिला देवी पार्षद बनी हैं। वार्ड संख्या 6 संगीता देवी निर्विरोध चुनी गई हैं। तो वहीं वार्ड संख्या 7 में तनवीर आलम की जीत हुई है। वार्ड संख्या 8 की बात करें तो बाबुल गुप्ता यहां से जीते हैं। वार्ड संख्या 9 में नीलू सिंह पांचवीं बार यहां से पार्षद के तौर पर चुनी गई हैं। देखिए, ये दो नाम जो हम आपको मुंगेर से बता रहे हैं, नीलू देवी जो है वो पांचवीं बार जीती हैं, तो वहीं हीरो यादव तीसरी बार जो है पार्षद चुने गए हैं। वार्ड संख्या 3 में हीरो यादव हैं और जो पांचवी बार जीती हैं वार्ड संख्या 9 में नीलू सिंह हैं। अब देखिए, वार्ड संख्या 10 में राजेश ठाकुर चौथी बार यहां से चुने गए हैं। वार्ड संख्या 11 में राहुल कुमार गुप्ता पहली बार यहां से चुने गए हैं। वार्ड संख्या ठीक इसी प्रकार 12 में रफत फातमा पहली बार यहां से पार्षद चुनी गई हैं। तो वार्ड संख्या 13 के नतीजे भी आ चुके हैं, राजेश कुमार रजक जीते हैं। वार्ड संख्या 14 संजय सिंह जीते हैं। वार्ड संख्या 15 में ज्योति पोद्दार पहली बार यहां से चुनाव जीती हैं। वार्ड संख्या 16 में बेबी देवी को निर्विरोध पार्षद चुन लिया गया है। वार्ड संख्या 17 श्वेता रानी, 18 प्रसून कुमार, 19 पूनम देवी और वार्ड संख्या ठीक इसी प्रकार 20 में मन्नत आलम की जीत हुई है। वार्ड संख्या 21 में अबुल हसन जीते हैं। तो कुल मिलाकर जितने भी अब तक वार्ड हमने आपको बताए हैं, इन वार्डों पर जो है नतीजे आ चुके हैं। कुछ वार्ड रह गए हैं जिनपे अभी नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन इसके अलावा आपको यह भी जान लेना चाहिए कि मुंगेर में फिलहाल मेयर और डिप्टी मेयर के रेस में कौन कितना आगे चल रहा है, कौन कितना पीछे चल रहा है, प्रत्याशी कौन है, यह भी जानिए। दरअसल मेयर प्रत्याशी कुमकुम देवी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मुमताज नाज से 3000 वोटों से फिलहाल आगे चल रही हैं। ये हम आपको बता रहे हैं मुंगेर नगर निगम का हाल। वहीं डिप्टी मेयर प्रत्याशी तुषार अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आदर्श कुमार राजा से 2000 मतों से आगे चल रहे हैं। तो ये मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए जो चुनाव नतीजे, जो रुझान निकलकर सामने आया है, वो हमने आपको बताया है मुंगेर में। ठीक इसी प्रकार से तमाम जिलों की तस्वीरें निकलकर जैसे जैसे सामने आएंगी वैसे वैसे हम आपको अपडेट देते जाएंगे। बिहार में 23 जिलों के 68 निकायों के चुनावी नतीजे आ जा रहे हैं, तो हर जिले से कुछ ना कुछ अपडेट और कुछ बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। बड़े चेहरे भी कुछ शामिल हैं जो कि इस बार चुनावी मैदान में कूदे हैं और उन्होंने पूरा दमखम आजमाया है। राजधानी पटना पर भी खास निगाह रहने वाली है, क्योंकि अभी से कुछ देर पहले जो आपने तस्वीर देखी, जो वीडियो देखा, उस समय रुझानों के मुताबिक अभी तक सीता साहू पटना में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 1000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही थी। नतीजे क्या कुछ होते हैं राजधानी पटना के, ये शाम तक या दोपहर के बाद तक पता चल जाएगा। लेकिन मुंगेर में भी कांटे की टक्कर बताई जाती है और मुंगेर में जैसा कि मेयर प्रत्याशी और डिप्टी मेयर प्रत्याशी के बीच में 3000 वोटों का अंतर चल रहा है, तो डिप्टी मेयर के प्रत्याशी के बीच में जो है 2000 का अंतर चल रहा है अपने प्रतिद्वंदी से। तो ऐसे में नतीजे क्या होंगे, इंतजार का विषय है। इसके बाद हम अगला वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें किसी अन्य जिले का हाल आपको जरूर बताएंगे। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।